हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त से जुड़ी कुछ 10 खास बातें जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। इसी दिन देश की स्वतंत्रता के लिए कई सेनानियों ने अपनी जान भी गंवा दी थी, लेकिन कई बातें ऐसी भी थी जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही 10 बातें जो कि 15 अगस्त से जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, देश को जब आजादी मिली तो महात्मा गांधी इसके जश्न में हिस्सा नहीं थे। आजादी के दिन वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। नंबर 2, भारत को 15 अगस्त को आजादी मिलेगी जब इस बात का फैसला हो गया था, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी को एक चिट्ठी लिखकर भेजी। इस चिट्ठी में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस है, आप राष्ट्रपिता हैं और इसमें शामिल हों और अपना आशीर्वाद दें। नंबर 3, महात्मा गांधी ने इस चिट्ठी का जवाब अपने अंदाज में दिया। उन्होंने जवाब में लिखा, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूँ, मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के साथ ऐतिहासिक भाषण दिया। ये भाषण उन्होंने वायसराय लॉज से दिया था, इसे अब राष्ट्रपति भवन के तौर पर जाना जाता है। उस समय नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को जहां पूरी दुनिया ने सुना, तो वहां महात्मा गांधी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे। नंबर 5, 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने ऑफिस में काम किया। दोपहर में नेहरू ने अपने कैबिनेट की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। नंबर 6, हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, मगर 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। नंबर 7, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला लिया गया था। नंबर 8, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड फ्लिक लाइन की घोषणा से हुआ। नंबर 9, भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन वह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। नंबर 10, 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है, दक्षिण कोरिया, जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को, फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। तो ये रहे 10 ऐसी खास बातें जो कि 15 अगस्त से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।